जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच हिमस्खलन से का वीडियो आया सामने। टनल प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हुआ। वीडियो में अपनी जान बचाते दिखे मजदूर। श्रीनगर में कई सड़कें ब्लॉक हो गई है। अनंतनाग में बर्फ हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों में बर्फ का खूबसूरत नजारा दिखा। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी प्रभावित रहा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने की मशक्कत। बर्फ हटाने के काम में प्रशासन लगा है। शिमला के कुफरी में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। मंडी में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्नोफॉल का लुत्फ देखे सैलानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सीजन का पहला स्नोफॉल। बर्फ से एप्पल फॉर्म ढक गया है। उत्तर भारत में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में बनेगी शीतलहर की स्थिति। IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली NCR में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर चलने की आशंकाएं हैं। कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ बढ़ा प्रदूषण का स्तर। AQI लेवल 300 के पार। हरियाणा पंजाब राजस्थान में भी शीत लहर चलने का अनुमान है। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान -2 डिग्री जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर। फसलों की पत्तियों और रास्ते पर बर्फ दिखाई दी। राजस्थान के बीकानेर में फ्रीजिंग तापमान का पहुंचा। गाड़ियों पर बर्फ दिखाई दी है। देश को मिलेगी 8वीं वंदे भारत ट्रेन। आज PM मोदी वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच ट्रेन चलेगी। वंदे भारत के शुभारंभ से पहले जी मीडिया से बोले रेल मंत्री। दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी शुरुआत है। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सेना का 75वां स्थापना दिवस। आज से सुबह 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता मार्च करेगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। जवानों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच परेड की गई। जहांगीरपुरी में गिरफ्तार संदिग्धों की निशानदेही पर नाले से एक शव बरामद। आरोपियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या का वीडियो भी बनाया था। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हड्डियों को धारदार हथियार से काटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार सवार ने शख्स को 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा है। CCTV में खुलासा हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान चीन पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु में कहा कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा है तबाही का खतरा। अब तक 782 मकानों में आई दरारें। आज आपदा प्रबंधन की टीम फिर जाएगी जोशीमठ। CBI सूत्रों के हवाले से खबर। सिसोदिया के दफ्तर पर जब्त किया गया है कंप्यूटर। सिसोदिया बोले मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया के दफ्तर CBI के पहुंचने पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। CBI ने कहा है कि रेड नहीं रूटीन जांच। BJP बोली विक्टिम कार्ड खेलती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और BJP फिर आई आमने सामने। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का BJP के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। झुग्गियां तोड़ने के विरोध के आदेश का विरोध किया गया। कटक में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। एक शख्स की मौत। CM नवीन पटनायक ने दुख व्यक्त किया। मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी पहुंचाने वाला शख्स गिरफ्तार। नागपुर पुलिस का दावा है कि कर्नाटक के गैंगस्टर से धमकी दिलवाई थी। महाराष्ट्र के चैंबूर में मनाया गया जनरल जॉन छोटा राजन का जन्मदिवस। चैंबूर में पोस्टर्स लगाए गए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। उसके बाद महागठबंधन में तकरार देखने को मिली। रामचरितमानस वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि BJP को फायदा पहुंचा रहे हैं तेजस्वी के विधायक। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का विरोध जताया गया है। जहानाबाद में बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी और योगी सरकार को घेरा। कहा कि प्रदेश में युवा बेरोजगार विकास के नाम पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यूपी के मेरठ में गाड़ी साइड करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र कोल्हापुर में केमिकल कंपनी में अचानक आग लग गई। आग की लपटों के साथ आसमान में दिखे धुएं के गुबार। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर RPF जवानों ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बैलेंस बिगड़ गया। ट्रेन के नीचे आने से बचाया गया।
हरियाणा के फरीदाबाद के रिहायशी कॉलोनी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया है। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पानीपुरी खाने से 200 लोग बीमार हो गए। मकर संक्रांति के मेले में खाई गई थी खराब पानी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं है, कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को गाली देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने से अनेक कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को ईडी ने समन भेजा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। झारखंड के गुमला में बीजेपी नेता सुमित केसरी की मौत पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। 9 जनवरी को बदमाशों ने गोली मारी थी। दिल्ली के सदर बाजार में एमसीडी ने 25 दुकानों को सील किया। सीली के विरोध में सीटीआई ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट से चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लाखों रुपए का सामान भी बरामद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 153 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। राजस्व विभाग ने जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश के रीवा में राशन की दुकान पर महिला से मारपीट हुई है। वायरल हुआ वीडियो, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के बुलंदशहर में अवैध पिस्टल के साथ युवकों का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। राजस्थान के बारा में कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने कार सवार को पीट दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले 3 शख्स गिरफ्तार। आरोपियों से मोबाइल समेत टीवी भी जब्त। मध्य प्रदेश के सिवनी में शख्स ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया, गंभीर रूप से घायल हुई महिला। राजस्थान के डिडवाना में ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर से कई गाड़ियां टकरा गई हैं, किसी को भी नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में शख्स ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। महिला के बिहार के बगहा में घर में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारण का खुलासा नहीं। यूपी के नोएडा सेक्टर 18 में युवकों ने दुकानदार को पीट दिया, बुरी तरह से घायल दुकानदार का इलाज है जारी। मामले में एफआईआर भी दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में 4 लोगों ने नाबालिग ने कार ने कुचला, अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के सीधी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, कई लोग घायल, पुलिस कर रही है जांच। बिहार के बेगूसराय में तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, अस्पताल में इलाज है जारी। राजस्थान के अलवर में नाले में महिला का शव मिला, एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। यूपी के बाराबंकी में बदमाशों का 2000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हुआ। एसडीएम के आदेश पर 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। यूपी के पीलीभीत में पुलिस के सामने ही शराब व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के महोबा में 2 छात्राओं का अपहरण हुआ, परिजनों ने मामला दर्ज कराया, छात्राओं की तलाश भी जारी है। यूपी के मैनपुरी में ट्रक और तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर हो गई, हादसे में कई लोग घायल हो गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुएं में बच्चे का शव मिला है, 7 दिन से लापता था बच्चा। यूपी के सहारनपुर में युवकों ने महिला पर हमला कर दिया, पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए। यूपी के चंदौली में वाइट टावर से बैटरी चुराने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 5 बैटरी समेत कार बरामद की गई है। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे से 1 युवक का गला कट गया है, अस्पताल में युवक का इलाज जारी। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने बाजार में फायरिंग की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड के रानी पोखरी में टिकट बुकिंग में ठगी करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में नेशनल हाईवे पर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया, गांव में शमशान घाट न होने के कारण सड़क पर ही अंतिम संस्कार करवाया गया। मध्य प्रदेश के सागर में बेकाबू हुई एम्बुलेंस बाइक को टक्कर मार दी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के बगहा में मछुआरों ने 30 किलो कछुआ पकड़ लिया है, पुलिस ने इस कछुए का रेस्क्यू किया। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग छात्रा के मचकुंड में अचानक से छलांग लगा दी, डूबने से छात्रा की मौत हो गई। राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल बच्ची का इलाज है जारी।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में चार छात्राओं ने चलते पिकअप गाड़ी से छलांग लगा दी, बुरी तरह से छात्राएं घायल हो गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में बच्चे की मौत हो गई, तालाब में डूबने से हुई बच्चे की मौत। बिहार के जहानाबाद में तालाब में मिला युवक का शव, शुक्रवार को तालाब में डूबा था युवक। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक ने पुलिसकर्मी को फटकार लगाई है, महिला की शिकायत ना सुनने पर यह फटकार लगाई गई। राजस्थान के धौलपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही है तफ्तीश। राजस्थान के जयपुर में जमकर पतंगबाजी हुई है, मकर संक्रांति के मौके पर उड़ी रंग बिरंगी पतंगे। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 14 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। मकर संक्रांति पर झारखंड में बोकारो के अयप्पा मंदिर में भक्तों की भीड़, भक्तों ने निकाली शोभा यात्रा। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिद्धि विनायक मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। बिहार की गोपालगंज में धूमधाम से निकाली गई साईं झांकी, बड़ी संख्या में शामिल हुए साईं भक्त। राजस्थान के अलवर में सांसद किरोड़ी लाल मीना ने लोगों की मदद की है, जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। चीन ने कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया, एक महीने में 60,000 लोगों की मौत, 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के निप्रो शहर में धमाका हुआ, रूस ने मिसाइल अटैक किया, कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 घायल। मिसाइल अटैक में कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। रूस की स्ट्राइक के बाद निप्रो में हालात बिगड़ गए, हमले के बाद ड्रोन फुटेज भी सामने आया। रूस ने कीव में रिहायशी इलाकों में मिसाइल ताक दी है, कीव के गवर्नर ने जानकारी दी। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप है, खरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, बोले पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट की गई है। अमेरिका के अलबामा में खतरनाक बवंडर से तबाही मच गई, टार्नेडो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़ गए, अब तक 6 लोगों की मौत। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा वेतन की मांग को लेकर मार्च किया गया। जर्मनी में कोयला खदान विस्तार का विरोध, 6,000 से ज्यादा लोगों का विरोध जारी है। जर्मनी के इस विरोध के दौरान झड़प हो गई है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा। ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति कैस सईद का विरोध किया गया, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की गई है, कैस सईद ने 2021 में किया था प्रधानमंत्री को बर्खास्त। इजरायली सैनिकों ने दी फिलिस्तानी युवकों को मार गिराया, और इन दो युवकों को मार गिराने के बाद वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान गोली मारी गई। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आज है, तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मुकाबला, भारत के सीरीज में 2-0 की बढ़त है। तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे से पहले पद्मनाभस्वामी मंदिर पहुंचे हार्दिक पांड्या, पारंपरिक परिधान में दिखी टीम इंडिया। 2016 में ही धोनी से वनडे और T20 कप्तानी लेना चाहते थे विराट कोहली, पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर ने खुलासा किया, रवि शास्त्री ने कोहली से इंतजार करने को कहा था। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।